क्या अल्लू अर्जुन अमिताभ बच्चन के गुरुकुल में स्टूडेंट रहे थे और क्या वो भी चल पड़े हैं राज आर्यन के मोहब्बत के रास्ते पर? कौन से नए 3 नियमों का पालन करना सिखाएंगे अल्लू अर्जुन युद्ध को? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पलक गुप्ता है और मैं आपका स्वागत करती हूँ बॉलीग्राड स्टूडियोज में। आज की इस वीडियो में हम फिल्म आइकन से जुड़े कुछ नए अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अल्लू अर्जुन की पर्सनालिटी देखकर ही लगता है कि वो बॉलीवुड मटेरियल है। टॉल, डार्क एंड हैंडसम, शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन के फिल्म मोहब्बते के राज आर्यन का किरदार भी उन पर खूब जमेगा, लेकिन वो बॉलीवुड की बजाय बाइक पर पता नहीं कहाँ निकल पड़े हैं। कभी लवर बॉय तो कभी रेसर का किरदार निभाते रहते दिखते हैं, और फिर अब बाद में एक काया पलट करने वाले हैं अल्लू अर्जुन ने अपने किरदारों में। शायद इसी वजह से आइकन बने घूम रहे हैं स्टाइलिश स्टार। आइकन फिल्म में अल्लू अर्जुन मोहब्बते फिल्म के नारायण शंकर की तरह अपना राजनीतिक गुरुकुल चलाएंगे और इस गुरुकुल में वो होंगे सबके आइकन। इस गुरुकुल के भी 3 नियम है, गुड लुक्स एंड गुड लुक्स। अरे अब फिल्म में स्टाइलिश स्टार है तो गुड लुक्स के बिना तो कैसे ही काम चलेगा। लेकिन बता दें, काफी सीरियस हो गए हैं अल्लू अर्जुन, इतने सीरियस कि पूजा पाठ करने के बजाय सीधे पंडित ही बन बैठे हैं। दोवदा जगनाम और मैं ही देखिए, जीन्स शर्ट छोड़े सिंपल कुर्ते और लुंगी में आ गए हैं। क्या अपनी स्टाइलिश छवि को भी त्याग दिया उन्होंने? दूसरी फिल्म पुष्पा में भी उनकी हालत ऐसी ही देखी गई जैसे बिना मेकअप के कोई हीरोइन हो। शायद तभी इस बदलाव के बाद राजनीति में उतर आए हैं अल्लू अर्जुन और आइकन बनना चाहते हैं। पिछले दिनों तो घर की छत पर नीले स्वेटर को कंधे पर डाले और सफेद पैंट और सफेद ही स्वेटर पहने हुए वायलिन बजा रहे थे, जिसके साथ वो पोज देकर खड़े हो रहे थे। और ये हम जुलाई की बात कर रहे हैं जब वो बैंगलोर में थे। बात ये समझ में आई नहीं, जब वो एक स्वेटर पहने हुए थे तो दूसरा स्वेटर कंधे पर क्यों डाला हुआ था? अच्छा, अब समझ आया, राज आर्यन की नकल कर रहे थे अल्लू अर्जुन। लेकिन कहते हैं ना, नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है। अब राज आर्यन ने दिसंबर जनवरी में 2 स्वेटर पहने थे और अल्लू अर्जुन ने जुलाई के महीने में। खैर छोड़िए, शायद अल्लू भी वायलिन बजाकर अपने सपोर्टर्स खड़े कर रहेंगे, लेकिन ये क्या चिड़िया ने भी कर दिया अपना काम? अब छत पर ऐसे बिना वक्त के वायलिन बजाओगे तो पक्षी भी वाह वाह देंगे ना। शायद अल्लू रोल प्ले की तैयारी कर रहे हैं, कभी नारायण शंकर तो कभी राज आर्यन के किरदार में घुस जाते हैं। लेकिन अब ये क्या, चलिए बाइक उठाए, अब पता नहीं किसकी बाइक पर घूम रहे हैं बनी। वहीं रास्ते में हेमा, रेखा, जया और सुषमा सभी को एक एक कर लिफ्ट की मनाही करते हुए आगे निकल गए। शायद यही राजनीति से जुड़ी लिफ्ट थी, लेकिन जानना था जापान पहुंच गए चीन। ये क्या गुरुकुल के बजाय स्टैंड अप कॉमेडी प्लेटफॉर्म पर क्यों पहुंच गए बनी? अब समझ आया, आप ही बताइए, जब कॉमेडियंस राजनीति कर रहे हैं तो नेता लोग क्या कॉमेडी करेंगे? तो शायद इसी वजह से अल्लू अर्जुन भी अपनी किस्मत आजमाने पहुंच गए हैं वहाँ। थोड़ी गालियाँ, थोड़ा मोदी जी का नाम और बाकी इस बार फिर से किसकी सरकार? अब हंसी मजाक तो हो गया, लेकिन बाइक का मालिक आखिर है कौन? आखिर किसकी हो सकती है चमचमाती बाइक? अल्लू अर्जुन ने मेंटोस खाई और दिमाग की बत्ती जलाई। अल्लू के प्यारे दोस्त विजय देवरकोंडा आजकल कियार अडवाणी के साथ देखे जा रहे हैं। कुछ समझे नहीं समझे, लेकिन अल्लू समझ गए हैं और उनको अब ऐसा धक-धक हो रहा है कबीर सिंह का बैकग्राउंड म्यूजिक सुनकर। जैसे तैसे बचते बचाते सही डेस्टिनेशन यानी अपने गुरुकुल पहुंच गए युद्ध का भला करने। तो पता चला इस बार नोएडा, उत्तर प्रदेश और गाजियाबाद के लड़कों की भर्ती हुई है। जैसे तैसे हिम्मत करके अल्लू स्टेज की तरफ बढ़ने लगे और देखा वहाँ पहले ही कुणाल कामरा खड़ा है। उसने अल्लू की तरफ देखा और बोला, यूथ वांट्स टू नो कि वो क्या सीखेंगे। और अल्लू ने आंखें बंद की और कहा, एक नेता था दीवाना सा, वो मित्रों कहा करता था, मास्क लगाकर हर न्यूज चैनल पर 9 बजे आया करता था, कुछ कहना था हमसे लेकिन किसी से डरता था। देशवासियों ने पूछा कि कोरोना से कैसे बचा जा सकता है, ये कोरोना से कैसे बचा जा सकता है, और वो बस यही कहता था, आत्मनिर्भर बनो और कोरोना से बचो। जब आंख खुली तो सभी चेहरे पर खुशी की लहर थी और पूरे गुरुकुल में आवाज गूंजी, जब तक सूरज चांद रहेगा अल्लू अर्जुन हमारा आइकन रहेगा। तो क्या आप भी ऐसे आइकन को अपना लीडर बनाएंगे? हमें अपने जवाब हाँ या ना में भेजें। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और साथ ही हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को सब्सक्राइब करें। आप भी मोदी सपोर्टर्स हैं ना? बताइए जरूर कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो की स्क्रिप्ट सिमरन रावत ने लिखी है।